नमस्कार एस पी न्यूज़ देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ मानसी जायसवाल ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कहा है कि अगर उसके खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो वो खुद को फांसी लगा लेगा जी हाँ अब इस पूरे मसले पर कपिल सिब्बल का बयान सामने आया है जी हाँ कपिल सिब्बल ने कहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जो बयान देता हुआ नजर आ रहा है उसको लेकर के तमाम जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है महाखा पंचायत बिठाई गई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए भी गए हैं लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जो है कपिल सिब्बल का बयान सामने आया है आपको बता दें कपिल सिब्बल ने गुरुवार को अपने एक ट्वीट में कहा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि एक भी आरोप होता है तो खुद को फांसी लगा लूंगा आत्महत्या यह वास्तविक नहीं लगता यह जाना माना सा लगता है नोटबंदी पर पीएम ने कहा था कि 50 दिन का इंतजार करिए अगर कमियां आई तो कोई भी सजा स्वीकार होगी 50 दिनों की दिनों बाद तब कुछ नहीं हुआ और अब कुछ नहीं होगा यानी कि बड़ा आरोप यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया गया यानी कि जब नोटबंदी हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि अगर ये फैसला गलत हुआ तो कहीं ना कहीं वो बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे आ, तो लेकिन उसी आ, मसले को लेकर के अब कपिल सिब्बल ने भी निशाना साधा है ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये जो बात ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कही है कि अगर उसके खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाता है तो वो खुद को फांसी लगा लेगा लेकिन ये बयान वास्तविक नहीं लगता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने बड़ा निशाना साधा ब्रजभूषण शरण सिंह पर आपको बता दें कपिल सिब्बल लगातार पहलवानों के समर्थन में आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख उनकी तरफ से जल्द ही किया जा सकता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना दरवाज़ा तो बंद कर दिया है पहलवानों के लिए लेकिन कपिल सिब्बल यहाँ पर पहलवानों के समर्थन में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आए और क्या सुप्रीम कोर्ट से पहलवानों को इंसाफ मिल पाएगा क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करवा पाएगा सुप्रीम कोर्ट ये एक बड़ा मसला अभी भी बना हुआ है आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बता देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपी